नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। जैसा कि आप सबको पता है, आज है मकर संक्रांति। लोहड़ी के बाद पूरे भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। वैसे तो 14 जनवरी को सुबह के समय से ही सूर्य मकर राशि में होते हैं, लेकिन सूरज के चारों तरफ धरती जिस रफ्तार में घूमती है, उस गति में अरबों साल में कुछ कमी आई है। ऐसे में सूर्य अब 14 जनवरी की सुबह मकर संक्रांति में नहीं होते। इस बार सूर्य आज मकर राशि में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन रात 12 बजे के बाद। ऐसे में मकर संक्रांति का स्नान पर्व 15 जनवरी यानी कल भी होगा। फिर भी आज तमाम पवित्र नदियों में तड़के से ही लोगों ने पुण्य का स्नान शुरू कर दिया है। मकर संक्रांति स्नान का शुभ मुहूर्त 14 जनवरी को रात 2:15 पर आया है। 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक विशेष पुण्यकाल रहेगा, जिसमें स्नान दान इत्यादि करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में भी काफी रौनक है। चूड़ा, गुड़, तिल, मुढ़ी, तिलकुट, लाई समेत पतंग भी बाजार में लोगों की भीड़ काफी देखने को मिल रही है। तो 2 दिन तक मकर संक्रांति मनाई जाएगी। यूं तो 14 जनवरी को हमेशा से ही मकर संक्रांति मनाई गई है, लेकिन सालों से पृथ्वी की रफ्तार में कुछ कमी आई है, जिसके बाद इस बार मकर संक्रांति रात 12 बजे के बाद पड़ रही है। संक्रांति का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्नान करना बहुत जरूरी है। और अब तो दूसरे दिन अपना कुंभ मेले का शाही स्नान है। मनाई जाएगी 2 दिन तक। प्रयागराज में कुंभ के आरंभ होने से पहले मकर संक्रांति में भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। आपको यह भी बता दें, प्रयागराज में तो मकर संक्रांति की अपडेट के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, गोरखपुर का क्या माहौल है? गोरखपुर में आज सीएम योगी मौजूद हैं। क्या क्या कार्यक्रम आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सीएम योगी की मौजूदगी में होने वाले हैं? योगी जी मौजूद है, सीएम भी है, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय मैं मंदिर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है वो श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर जो है श्रद्धालु आ रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर में जो भीम सरोवर है वहाँ पर वो स्नान कर रहे हैं। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आ रहे हैं दूर दराज से, क्योंकि गोरखपुर में ये मान्यता है कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। लेकिन मंदिर से जुड़ी जो बातें हैं, जब मंदिर से ये होता है कि मकर संक्रांति मनाई जाएगी, उसी दिन गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई जाती है। तो कुल मिला के ये कहे कि कल जो है सूर्योदय का समय जब होगा लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच में, उस समय योगी आदित्यनाथ जो गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं वो खुद खिचड़ी चढ़ाएंगे बाबा गोरखनाथ को, और नेपाल से भी आने वाली खिचड़ी जो है वो बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई जाती है। तो पंकज, यहाँ पर कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, काफी किन किन जगहों से आते हैं, और इसके साथ हमें ये भी बताइए कि सीएम योगी के आज कौन कौन से कार्यक्रम हैं? देखिए, आपको बता दें कि सीएम योगी अभी फिलहाल मंदिर में हैं, और वो जो है कुछ फरियादियों से सुन रहे हैं फरियाद। अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ का माहौल पूरी तरह भक्तिमय है, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। आप बताएं तो पूरे मंडल से नहीं, पूरे प्रदेश से यहाँ पर जो है वो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। भीम सरोवर में स्नान करते हैं, बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ जो मेला लगता है खिचड़ी का, 1 महीने तक ये मेला चलता है, उसमें शामिल होने के बाद जो है वो अपने घर जाते हैं। अगर हम सीएम के आज के कार्यक्रम की बात करें तो गोरखपुर विश्वविद्यालय की क्रीड़ा संकुल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट आयोजित है, रोजगार मेला आयोजित है। वहाँ लगभग 11 बजे सीएम जो है पहुंचेंगे और उसमें शामिल होंगे। पंकज, आपने अभी खिचड़ी मेले का जिक्र किया, 1 महीने तक ये मेला चलता है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम आपको खिचड़ी मेले की बात करें तो ये पारंपरिक मेला है, गोरखपुर में बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है, कई सालों से ये मनाया जाता है। आप मेरे पीछे बताऊंगा, देखना अगर मैं चाहूँ तो देखिए, आप देख सकते हैं इस समय जो है यहाँ पूरी तरह जो है खिचड़ी मेला लगा हुआ है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर है जो स्नान करके आए हुए हैं, और वो जो है इस समय आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे मैं साथ में देखिए, ये लोग जो है ये दूर दराज से आने वाले लोग हैं, तो ये लोग जो है वो खिचड़ी मेला में स्नान कर चुके हैं, बाबा को खिचड़ी चढ़ा चुके हैं।
धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये अहम जानकारी देने के लिए। तो मकर संक्रांति का त्यौहार को लेकर गोरखपुर में भी खासा धूम है और सभी बाबा गोरखनाथ के मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद हैं और जो विशेष मुहूर्त है इस खिचड़ी को चढ़ाने का वो कल सुबह से है। ऐसे में सीएम योगी कल ही बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाएंगे, लेकिन मान्यता के अनुसार 14 तारीख को ही मकर संक्रांति लोग मनाते हैं। ऐसे में लोग आज भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो मकर संक्रांति की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे देश में आपको बता दें भारत एक ऐसा देश है जहां पर नदियों का भी एक अलग ही पौराणिक महत्व रहा है और मकर संक्रांति के इस पर्व पर लोग विभिन्न जगहों पर अलग अलग नदियों में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं।